दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एल्युमिनियम वायर जो है किस तरीके से ज्वाइंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस एल्युमिनियम वायर में जो है बिल्कुल सादा है, ना तो पीवीसी है ना तो इसका इंसुलेशन है, इसमें दोनों हटा हुआ है। तो इसको किस तरीके से ज्वाइंट किया जाता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ज्वाइंट जो है गलत तरीके से ज्वाइंट करते हैं। यदि अगर इस तरीके से आप जॉइंट मारते हैं तो ये गलत है। आपको किस तरीके से सही जॉइंट मारना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वायर को इस तरीके से ले लेते हैं और इसके बाद इसको वायर को इस तरीके से मोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसी का सेम साइज दोनों वायरों को मोड़ना है, ठीक है। दूसरे वाले वायर को भी हम मोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा दोनों वायर जो है सही तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इस तरीके से रखना है आपको, बीच में थोड़ा से गैपिंग करना है। तो इसको गैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि अगर आप इस तरीके से आप वायर को पकड़ते हैं और इसको ऐसे ऐठेंगे, यदि अगर चालू लाइट है तो इस तरीके से नहीं करना है। चालू लाइट है तो आपको क्या करना है कि एक प्लास और ले लेना है, प्लास की मदद से इसको अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। ये हमारा चालू लाइट नहीं है, बिल्कुल इसमें लाइट ही नहीं है, तो इसमें हम आपको ज्वाइंट करना बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको मोड़ रहे हैं हाथ से ही। फिर इसके बाद हमको क्या करना है कि प्लास की मदद से इसको टाइट कर देना है, क्योंकि अगर प्लास की मदद से इसको टाइट कर देंगे तो ये बिल्कुल स्पार्क नहीं करेगा। एक तरफ तो हमने कर लिया, अब ये वाला वायर बचा है। अब इसको भी हम उसी तरह घुमा के ऐंठ के बिल्कुल टाइट रखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके से हमारा जो है ज्वाइंट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप भी ज्वाइंट मारे ताकि आपका भी स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट होने से बचे, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।